नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की लखनऊ की बड़ी खबर पर। आज भी पूरे देश में बैंक कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। बैंकिंग सेक्टर में ठप हुआ कई लाख करोड़ों का व्यवसाय। राजधानी लखनऊ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आज भी बैंक कर्मियों ने अपनी दो दिवसीय हड़ताल जारी रखी और भारत सरकार और IBA से अपना सम्मानजनक 11वां वेतन समझौता जल्द से जल्द सम्पन्न कराने और अन्य मांगों को भी तत्काल पूरा करने को कहा। ये जानकारी देते हुए फोरम के संयोजक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि IBA और भारत सरकार की हीलाहवाली से त्रस्त होकर बैंक कर्मियों ने दो दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जहां NCBI और स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री KK सिंह ने बताया कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन समझौता द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर संपन्न होता है। वहीं यूनियनों के द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर भारतीय बैंक संघ विचार करता है और परस्पर बातचीत द्वारा वेतन समझौता संपन्न किया जाता है। वर्तमान वेतन समझौता नवंबर 2017 से लागू होना था, मगर दुर्भाग्यवश भारतीय बैंक संघ अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहा है। वेतन समझौता बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग है। हम चाहते हैं कि हमारा वेतन समझौता जो 35 महीनों से पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारा जो स्पेशल अलाउंस दे रखा है सरकार ने, इसका मर्जर किया जाए, फैक्ट बैंकिंग किया जाए और अधिकारी कर्मचारियों को जिंदा रहने का हक दिया जाए, वर्क लाइफ बैलेंस किया जाए। आज बैंक में आने का समय है, जाने का समय नहीं है। सारी की सारी बैंक की शाखाएं स्टाफ से कमी है, हम चाहते हैं उसको पूरा किया जाए और भारत सरकार से यही आग्रह है कि शीघ्र वेतन समझौता किया जाए। आज कल का वेतन हिंदुस्तान में तो सर उस तरीके की राजनीति हो रही है, आप लोगों से आग्रह है कि दिल्ली की राजनीति का विरोध करिए, जहाँ पर एक गरीब को 2 लाख रुपए 51,000 रुपए को स्कूटर बेच रहा है। मोदी के पिताजी तो चाय पिलाने का पैसा नहीं छोड़ गए किसी को, ये कहाँ से लाएंगे? ये हमारे आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, जनता को कई कई लाख रुपए एक्सपोर्ट सबवेंशन से और कई कई लाख करोड़ की सब्सिडी देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। हमें आपको जो 5 पैसे भी देते हैं उसका अल्लाह बचाते हैं। वेतन समझौता करने में इन्हें दिक्कत है, कॉर्पोरेट्स का राइट ऑफ करने में इन्हें दिक्कत नहीं है। सर हम लोग चाहते हैं कि बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों का शीघ्र वेतन समझौता किया जाए, यही हमारी मांग। सर उत्तर प्रदेश का लगभग, केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 लाख कर्मचारी है वो हड़ताल पे है, 14-15 हजार ब्रांचेज है जो हड़ताल पे है, 14-15 हजार ATM है जो बंद रहेंगे, 5,000 करोड़ से ज्यादा की क्लियरिंग एक दिन में प्रभावित होगी, जो कि कल हुई है और आज अलग से होगी। लखनऊ से KKD न्यूज संवाददाता विवेक कश्यप की रिपोर्ट। तो ये थी राजधानी लखनऊ की इस वक्त की बड़ी खबर। देश और दुनिया की ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।